सो दोस्तों आपके लिए लेके आया हूँ खट्टा सॉन्ग की एक ज़बरदस्त स्टेटस ट्यूटोरियल। तो आप पहले प्रीव्यू देख लो। सो दोस्तों ये वीडियो एडिट करना एकदम आसान है। आप भी अगर अपना फ़ोटो लगाकर इसी तरह के वीडियो एडिट करना चाहते हो तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा आपको। ये वीडियो एडिट करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन का नाम है एलाइट मोशन। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। और अगर इसका प्रो वर्जन डाउनलोड करना चाहते हो तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं उसका भी लिंक दे दूँगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में बिटमार्क और सैनिक इफेक्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके डाउनलोड करके एलाइट मोशन एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर लेना। अगर बिटमार्क डाउनलोड करने में या इंपोर्ट करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए भी एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसे पहले देख लेना, उसके बाद डाउनलोड कर लेना। सो दोस्तों चलते हैं लाइट मोशन एप्लीकेशन के अंदर। सो दोस्तों एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद प्रोजेक्ट ऑप्शन में चले जाना। उसके बाद आपने अभी अभी जो इंपोर्ट किया बिटमार्क और सैनिक इफेक्ट, तो सबसे पहले बिटमार्क पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद प्लस आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया में जाना है और आपने अभी अभी जो वीडियो क्लिप डाउनलोड किया उसको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए ऑल पे क्लिक करना है और जिस फाइल में डाउनलोड हुआ है वहाँ से ऐड करना है आपको वीडियो क्लिप को। तो मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद इस आइकॉन पर क्लिक कर देना है। इस आइकॉन पर क्लिक करते ही नेक्स्ट बिट पर भेज देगा आपको। तो दोस्तों मैंने क्लिक कर दिया और नेक्स्ट बिट पर मैं आ गया। उसके बाद आपको वीडियो के राइट के साइड बचा हुआ पार्ट को कट कर देना पड़ेगा। कट करने के लिए वीडियो पर क्लिक करना है और इस कट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो ये बाकी के पार्ट हट जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जितना रेड कलर की बिट मार्क देखने को मिल रहा है यहाँ पर एक एक करके फोटो ऐड करना है। फोटो ऐड करने के लिए प्लस आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है और यहाँ पे अपना फोटो ऐड करना है। जैसे कि मैं अपना फोटो ऐड कर लेता हूँ। ये देखो आप देख सकते हो मैंने अपना एक फोटो ऐड कर लिया। उसके बाद इस आइकन पर क्लिक कर देना है तो नेक्स्ट बिट मार्क पर आ जाओगे आप। उसके बाद इस कट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है बाकी के पार्ट हटाने के लिए। उसके बाद फिर से आपको एक फोटो ऐड करना है। फोटो ऐड करने के लिए प्लस आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया में जाना है और आपके यहाँ पर जिस भी फोल्डर में फ़ोटो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फुल स्क्रीन करना होगा इसे। इसे फुल स्क्रीन करने के लिए ऊपर की तरफ थ्री डॉट में जाना है और पाँच नंबर की ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बिट मार्क पे जाना है आपको। बिट मार्क पे जाने के लिए इस आइकन पर क्लिक करना होगा तो आप नेक्स्ट बिट मार्क पर चला जाओगे। उसके बाद कट ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा बाकी के पार्ट हटाने के लिए। उसके बाद फिर से आपको फ़ोटो ऐड करना है। ऐसे ऐसे करके जितना भी बिट मार्क है आपको उसमें फ़ोटो ऐड करना है फुल स्क्रीन करने के लिए। फाइव नंबर ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। सो दोस्तों मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने एकदम अच्छी तरह से बिटमार्क के हिसाब से फ़ोटो लगा लिया है। अब इस पर इफेक्ट लगाना है। इफेक्ट लगाने के लिए आपको बैक आ जाना है सैनिक इफेक्ट पर। उसके बाद पहला वाला जो इमेज है उस पर क्लिक करना है। इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाके कॉपी कर लेना है। उसके बाद फिर से बैक चले जाना है बिटमार्क पर। यहाँ पे सबसे पहले जो फ़ोटो आपने ऐड किया था, सबसे पहला फ़ोटो, उस पर आपको पेस्ट कर देना है। वीडियो के बाद जो फ़ोटो है सबसे पहला फ़ोटो उस पर आपको ये पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के लिए फ़ोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाके थ्री डॉट पे जाके पेस्ट कर देना है। उसके बाद राइट साइड आपको जाना है, एकदम राइट साइड 12.27 सेकंड में जो इमेज है वहाँ से एकदम लास्ट तक इस इफेक्ट को पेस्ट कर देना है आपको। जितना भी इमेज है उस पर आपको पेस्ट कर देना है, यहाँ से एकदम यहाँ तक जितना भी इमेज है आपको पेस्ट कर देना है उसी इस इफेक्ट को। तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। सो दोस्तों 12.20 सेकंड से लास्ट तक जो जितने भी इमेज है उस पर मैंने पहला नंबर का इफेक्ट पेस्ट कर दिया है। उसके बाद फिर से बैक आ जाना है आपको, सैनिक इफेक्ट पर जाना है और दो नंबर इफेक्ट को कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए इफेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद थ्री डॉट कॉपी, फिर से बैक चले जाना है आपको बिट मार्क पर। यहाँ पे आकर आपका बड़ा वाला जो इमेज सेट किया है 12 सेकंड्स पर एड किया है फोटो, उस पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के लिए इमेज पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, सैनिक इफेक्ट पर तीन नंबर का जो इफेक्ट है उस पर कॉपी करना है। उसके बाद फिर से बिट मार्क पर जाना है आपको। बिट मार्क पे आकर 9.27 से 11.26 तक जो इमेज है सब इमेज में ये इफेक्ट को पेस्ट कर देना है, तभी आपका वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ऊपर की तरफ सेटिंग आइकन दिख रहा है, उसके सामने एक बॉक्स के आइकन दिख रहा है, उस बॉक्स में क्लिक करना है और नीचे एक्सपोर्ट ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है।
तभी आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाना चालू हो जाएगा। उसके बाद सेव ऑप्शन आ जाएगा, सेव पे क्लिक कर देना है तो गैलरी में आपका वीडियो सेव हो जाएगा।